जब भारत 2023 में वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, उसके बाद में राहुल द्रविड़ का कोचिंग करियर इंडिया के साथ में जो टेन्योर था उनका वो खत्म था। लेकिन फिर अचानक से खबर निकल कर आती है कि नहीं, राहुल द्रविड़ जो है वो T20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के साथ में रहने वाले हैं। उस समय सबको सुन के लगा था कि यार कुछ एक महीनों की बात है, शायद इसीलिए राहुल द्रविड़ के साथ ही कंटिन्यू करने का फैसला लिया गया है कि यार इतनी अबड़ थबड़ में कौन कोचिंग कोच के ऊपर फैसला करेगा। लेकिन अब राहुल द्रविड़ ने भी इस बात को लेकर खुलासा किया है, प्लस रोहित शर्मा ने भी इस बात को माना है कि जब भारत 50 ओवर का वो वर्ल्ड कप हारा था, उसके बाद आप सब जानते हैं कुछ दिनों के लिए रोहित शर्मा गायब हो गए थे, विदेश चले गए थे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, एक बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग हार थी। लेकिन उन्होंने इस चीज को लेकर यही कहा कि रोहित शर्मा ने, मतलब राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा ने मुझे नवंबर में ही कॉल किया और बोला कि आप कोच बने रहिए। एंड राहुल द्रविड़ ने भी यही बात कही कि वो सिर्फ इसी शर्त पर कोच बने रहने के लिए माने कि अगर रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहते हैं तो ही वो एज अ कोच कंटिन्यू करेंगे, या उनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो तभी कंटिन्यू करेगा, अनटिल एंड अनलेस रोहित शर्मा नहीं रहते हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक कोच के तौर पर एक खिलाड़ी और कोच के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि टीम आखिर कैसे आगे बढ़ने वाली है। क्या होता है, एक कोच और एक कप्तान के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है वो ऐसा नहीं हो कि ओवर द नाइट बन जाती है, हाँ बस हाथ मिले और हाथ मिलाया और बन गई, नहीं ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है। जैसा कि हमने ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के टाइम पर देखा था कितनी तलखियां हुई थी, उससे और किसी को नुकसान हुआ ना हुआ, हुआ हो या ना हुआ हो टीम इंडिया को नुकसान जरूर हुआ था। तो ऐसे में राहुल द्रविड़ यही चाहते थे कि यार रोहित के साथ में जब मेरी ट्यूनिंग है तो फिर मैं उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा। एंड आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि 2023 के वर्ल्ड कप और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टोटल टीम इंडिया ने 20 मैचेस खेले, इन 20 में से टीम इंडिया सिर्फ एक मैच हारी है जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल था 2023 का, और एक मैच उसका कनाडा के अगेंस्ट था वो वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा 20 में से जो 18 मैचेस हैं वो इंडिया ने जीते हैं। इस परफॉर्मेंस को आप क्या कहेंगे यार, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालने के लिए एक टीम के तौर पर आपको किस कदर गेम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा ये शायद एक क्रिकेट को चाहने वाला ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। एंड यकीन मानिए जो अचीवमेंट आज की तारीख में रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और उनकी टीम ने किया है वो वाकई में बहुत 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 ज्यादा तारीफ के काबिल है। जब रोहित शर्मा को लेकर राहुल द्रविड़ से सवाल किया गया कि आप सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे रोहित को लेकर, तब उन्होंने बहुत टकासा जवाब दिया, मतलब वाकई में उन्होंने कहा कि मैं रोहित चाहे कितने ही रन बनाए, कितने ही ट्रॉफीज जीते, कितने ही समय तक वो खेलते रहे, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है कि रोहित मेरा दोस्त बना रहे और मैं ये चाहूंगा कि मेरी जो रिलेशन है उसके साथ में वो रिलेशन भी वैसे ही बने रहे, क्योंकि रोहित एक पर्सन के तौर पर वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, उसने जो रिस्पेक्ट मुझे दिखाई, उसने जिस तरीके से एक कोच के तौर पर जिस तरीके से मुझको ट्रीट किया, ये सब बातें मुझे आने वाले समय में याद आएंगी, क्योंकि वाकई में इन चीजों का महत्व होता है एक पर्सन की लाइफ में। और देखिए, एक टीम वाकई में तभी जीत पाती है जब आप एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, और इस इंडियन टीम में वो एक एनवायरनमेंट था कि हर खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी की अचीवमेंट को लेकर खुश था। वरना एक समय ऐसा भी था जब रोहित विराट के बीच में जो तलखियों की खबरें आ रही थी उस समय पर कहा जा रहा था कि टीम इंडिया में जो है गुटबाजी चल रही है और टीम इंडिया जो है बिल्कुल साथ में नहीं चल रही है और इसीलिए परफॉर्मेंस भी निकल कर नहीं आ रही है, बहुत तरह की बातें हुई थी। और फिर आज की तारीख में जब रोहित और विराट को साथ में इस तरीके से खेलते हुए देखते हैं तब ऐसा लगता है कि तो पूरी कहानी ही पलट चुकी है, ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे। और यही होता है जब आप कुछ बोलते नहीं हो और आप सिर्फ बल्ले और अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हो, तब अपने आप आपके खिलाफ होने वाली जो बातें होती हैं वो शांत पड़ जाती हैं। एंड राहुल द्रविड़ इन सब चीजों के कहीं ना कहीं विटनेस रहे। राहुल द्रविड़ का एक कोच के तौर पर ये छठवां अटेम्प्ट था वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के कोच के तौर पर, तीसरा अटेम्प्ट प्लेयर के तौर पर भी वो तीन बार अटेम्प्ट कर चुके थे, और ये छठवीं बार में था जबकि उनको वर्ल्ड कप नसीब हुआ। वो कैरिबियन ही था जब एक कप्तान के तौर पर उनकी इंडियन टीम बाहर हुई थी 2007 में, और अब कोच के तौर पर उसी कैरिबियन मिट्टी पर उन्होंने उस ट्रॉफी को उठाया है। मतलब ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ना सिर्फ राहुल द्रविड़ के लिए बल्कि रोहित शर्मा के लिए, बल्कि पूरी टीम के लिए, बल्कि पूरे सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, और इसीलिए पूरा भारत शुक्रगुजार है इन लोगों का जिन्होंने हर भारतीय को गर्व से कहने का ये मौका दिया। भले ही इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी
हमें मौका दिया कि हम ये कह सकें कि हम विश्व विजेता हैं, और सबसे बड़ी बात हम वो एशिया की लेटेस्ट टीम है जिसने आईसीसी के ट्रॉफी के ऊपर हाथ रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।